जम्मू कश्मीर में शहर दर शहर एनआईए का छापा। 7 जिलों में 15 जगहों पर एनआईए का शिकंजा। टूटेगी आतंकियों की कमर। तो एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सभी आतंकी होश में आ जाएं, नहीं तो शामत आने वाली है। एनआईए लगातार गैंगस्टर आतंकी कनेक्शन को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही आतंकी गतिविधि और गैंगस्टरों की कमर को तोड़ने के लिए देश भर में एनआईए 6 राज्यों के 122 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। बता दें कि ये छापेमारी खासकर गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से जुड़े लोगों पर की गई थी। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, नीरज बवाना समेत दर्जन भर गैंगस्टर्स के करीबियों पर रेड की। ये छापेमारी आतंक ड्रग्स के तस्करों गैंगस्टरों से सांठगांठ के मामले में की गई, जिससे गैंगस्टर और आतंकियों में हड़कंप मच गया। और आज सुबह 6 बजे से ही जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए एनआईए कश्मीर के 7 जिलों में 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवाड़ा और जम्मू संभाग के पुंछ में ये छापेमारी जारी है। तमाम वाक्य के बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो गैंगस्टर और आतंकी होते हैं, इनकी फंडिंग कहां से मिलती है, कौन इनको पैसा देता है, कहां से आता है, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी भी तरीके से इन लोगों के फंडिंग को रोक दिया जाए तो जल्द ही आतंकी और गैंगस्टरों की कमर टूट सकती है, लेकिन ये पता लगाना कि इनकी फंडिंग कहां से होती है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अधिकारियों के मुताबिक ये छापेमारी उग्रवादियों को काबू करने में बड़ी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि ये उनके आर्थिक तंत्र को तोड़ने का काम करेगी। लेकिन एनआईए के इस ताबड़तोड़ एक्शन से उग्रवादी कितने काबू में रहेंगे, जो सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले 19 मई को भी एनआईए ने अहम गिरफ्तारियां की थी। एनआईए ने अर्श ढल्ला के 2 करीबी सहयोगियों को फिलीपींस से दिल्ली हवाई अड्डा पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए ने कहा कि जांच में पता चला है कि आरोपियों ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए धन जुटाने और सीमा पार से इसके लिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटकों की तस्करी करने के मकसद से एक आपराधिक साजिश रची थी, लेकिन इनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में 22 से 24 तक G20 की बैठक होने वाली है, जिसके मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पहले से ही तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। मार्कोस कमांडोस बोट से पेट्रोलिंग कर रही हैं। वहीं सेना ने भी एंटी ड्रोन डिवाइस को तैनात कर दिया है। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की बैठक होना अपने आप में बड़ी बात है, लिहाजा इस बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बैठक के जरिए केंद्र सरकार ये भी मैसेज देगी कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यहां की स्थिति सामान्य है, लेकिन सुरक्षित G20 की बैठक हो, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल देश भर में इन दिनों आतंकी और गैंगस्टरों के खिलाफ छापेमारी का अभियान चल रहा है, जिसको लेकर एनआईए ताबड़तोड़ आतंकवादी और गैंगस्टर की छापेमारी कर रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि ताबड़तोड़ छापेमारी से आतंकी और गैंगस्टरों की कमर टूटती है या नहीं। इस छापेमारी में क्या कुछ अहम दस्तावेज और जानकारी निकल कर सामने आती है, जिस पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।